हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है किट स्टोरी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए। In a bustling clockwork city, powered by gears and moonbeams, lies Millie, a spunky tinker mouse with dreams bigger than Big Ben. Armed with her trusty wrench and a pocket full of gumption, she stumbles upon a forgotten blueprint, a recipe for a fantastical flying contraption. तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा उस तरीके से आप भी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। अब आप लोग बोलोगे इस टाइप की वीडियोस मोनेटाइज तो नहीं होते हैं, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है इस टाइप की वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है किड स्टोरी वीडियोस बहुत ज्यादा किड्स लोग देखते हैं और उस टाइप की वीडियोस पर व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। एंड दोस्तों, इस टाइप की वीडियो को कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडिट करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बार्ड का यूज करेंगे स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। आप लोग चाहो तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर जो है बार्ड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है बार्ड का यूज करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर लियोनार्डो इस वेबसाइट का यूज करूंगा इमेज को जनरेट करने के लिए। आप लोग चाहो तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जहाँ से इमेज जनरेट कर सकते हो, बट लियोनार्डो ये काफी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो है हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाती है और आप लोग इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग जो है उन इमेजेस को एनिमेट करने वाले हैं। इस वेबसाइट का नाम है रनवे ML। इस वेबसाइट की मदद से आप लोग जो है किसी भी इमेज को एनिमेट कर सकते हो। फाइनली एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पर जो है कैपकट का यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कैपकट में एक और फीचर आ गया जहाँ से आप लोग जो है टेक्स्ट टू स्पीच को कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड ये फीचर मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा है। आप लोग चाहो तो 11 लैब्स का भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बार्ड को ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है जनरेट मी इमेजिनेटिव डिज्नी शॉर्ट्स स्टोरी इन वन पैराग्राफ। जो भी मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ये सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग सिंपली से कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप जनरेट करोगे, अभी आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी आ जाएगी। इस स्टोरी पे हमें जो है पूरा वीडियो क्रिएट करना है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो हमारी स्टोरी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। आप लोग चाहो तो इसे एक बार रीड कर लेना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आती है तो आप लोग वापस से रीजनरेट पे क्लिक कर सकते हो, एंड बार्ड जो आपको वापस से रीजनरेट करके दे देगा। तो सिंपली से मैं इसी स्टोरी को पिक कर लेता हूँ। अभी हमारा जो अगला स्टेप है जहाँ से हम लोग जो है प्रॉम्प्ट की मदद से इमेजेस को जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जनरेट मी 9 to 10 प्रॉम्प्ट ऑफ इमेजेस फॉर दिस स्टोरी फॉर जनरेटिंग इमेज इन लियोनार्डो AI। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके इमेजेस के प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। अब सिंपली से आप लोग जो है इस प्रॉम्प्ट की मदद से इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लियोनार्डो इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको इमेज जनरेशन पे क्लिक कर देना है। एंड जो भी बार्ड ने आपको इमेजेस प्रॉम्प्ट दी, तो मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला कॉपी करता हूँ एंड इस वेबसाइट पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इमेज की स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है 3D एनिमेशन स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको जितनी भी इमेजेस को जनरेट करना है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको साइज में 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने 4 इमेजेस जनरेट होकर आ चुकी है। अब इनमें से आपको जो भी इमेजेस अच्छी लगती है यहाँ से आप स्किल पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको जो है सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इस वेबसाइट पे पेस्ट करके इस टाइप की इमेज को जनरेट करके अप स्किल करके डाउनलोड कर लेना है। तो अभी बारी सारे इमेजेस को एनिमेट करने के लिए। तो ये सारे इमेजेस को एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पर जो है रनवे ML इस वेबसाइट का यूज करूंगा। तो सिंपली से आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। देन यहाँ पर आपको इमेज टू वीडियो पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको जो है अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपनी वीडियो की ड्यूरेशन आप लोग 3 या 4 सेकंड रख सकते हो। देन यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड में आपकी जो इमेज है वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर एनिमेट हो चुकी है। सिंपली से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से आपको जो है बाकी इमेजेस को एनिमेट करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर अभी आपको कैपकट को ओपन करना है। देन यहाँ पर आपको जो है सारे वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से जो है सारी वीडियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट में जाना है। देन यहाँ से आपको जो है डिफॉल्ट टेक्स्ट को टाइमलाइन पे लाना कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको जाना है टेक्स्ट टू स्पीच में। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉइस मिल जाएंगे, जो भी वॉइस आपको पसंद आता है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली वॉइस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पर आपको बार ओपन करना है। एंड यहाँ से आपको जो है कुछ पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इतना पैराग्राफ कॉपी कर ले रहा हूँ। एंड कॉपी करने बाद यहाँ पर आपको कैपकट टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच में जाना है। एंड यहाँ से आपको जो भी वॉइस सिलेक्ट करने आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल के मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली वॉइस को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर आपको स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। एंड अभी आपको एक बार चेक कर लेना है ये वॉइस कहाँ तक जनरेट हुआ है। ठीक है, तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वॉइस यहाँ तक ही जनरेट हुई है। अब आपको आगे का पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड के बाद। ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट को यहाँ पर लाना है। देन यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। पेस्ट के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच में जाना है। एंड यहाँ पर आपको उसी वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है।
देन यहाँ पर आपको स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। एक बार आपको इसे चेक कर लेना है कि हमारी जो वॉइस है वो प्रॉपरली टेक्स्ट के हिसाब से जनरेट हुई है या फिर नहीं, ठीक है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, तो यहाँ पर टेक्स्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको वॉइस में बहुत सारे गैप दिख रहे हैं, इस गैप को आपको रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है सारे ऑडियो गैप्स को रिमूव कर देता हूँ। तो ये सारे गैप्स रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर आपको वॉइस के हिसाब से सारी वीडियोस को इंपोर्ट कर देना है। एग्जांपल यहाँ पर आपको जो है ऑडियो को सुनना है, ऑडियो को सुनने के बाद यहाँ पर आपको उस वीडियो को अटैच कर देना है। इसी तरीके से आपको ऑडियो को सुनना है और ऑडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वीडियोस को अटैच करते जाना है। ये सारी चीजें करने के बाद अब यहाँ पर आपको जाना है टेक्स्ट में, देन यहाँ पर आपको जाना है ऑटो कैप्शन में। देन यहाँ से आपको जो है कैप्शन की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है कैप्शन कोई भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, कैपकट आपको बिल्कुल फ्री में ऑटोमेटिकली कैप्शन को जनरेट करके देता है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो में यहाँ पर कैप्शन जनरेट हो चुका है। अब सिंपली से आपको यहाँ पर जितने भी गैप दिख रहे हैं इसे आपको कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। पहले आपको उसे सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, तो आपको जो है इस सारे गैप्स को फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। अब ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर आपको सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है टेम्पलेट में, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे अभी आप लोग देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब आप लोग चाहो तो वीडियो के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। Work City, powered by Gears and Moonbeam. अगर आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपको जाना बेसिक में, एंड यहाँ से आप लोग जो है व्हाइट को रेड, ग्रीन, ब्लू, जैसा चाहे आप लोग यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पर आपको जो है फॉन्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, एंड उसे आप लोग डाउनलोड करके सिंपली से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप जो अपने फॉन्ट को यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब इन सारे फॉन्ट में आपको एक एनिमेशन ऐड कर देना है ताकि हमारी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग लगे। तो यहाँ पर आपको सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पर आपको जाना है एनिमेशन में, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। जो भी एनिमेशन आपको अच्छी लगती है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है टाइपराइटर वाला एनिमेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अभी आप लोग देख सकते हो हमारे सारे टेक्स्ट में यहाँ पर एनिमेशन लग चुका है। ये सारी चीजें होने के बाद अभी यहाँ पर आपको एक फिल्टर लगाना है। फिल्टर के लिए यहाँ पर आपको जाना है फिल्टर में, देन यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर टू। तो मैं जो यहाँ पर क्लियर टू सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर टू इस वाले फिल्टर को यहाँ पर अटैच कर देना है। जैसे आप क्लियर टू फिल्टर को लगाते हो इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है और वीडियो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। तो आपको जो है क्लियर टू इस वाले फिल्टर को यहाँ पर अपनी वीडियोस में लगा देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, Clockwork City, powered by Gears and Moonbeams. ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जो है अपनी वीडियोस में एनिमेशन लगा रहा है जिससे आपकी वीडियो और भी ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है। अब आपको क्या करना है, एक एक वीडियो को सिलेक्ट करना है और उसमें आपको जो है एनिमेशन लगाना है। इससे आपकी वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर आपको जाना है एनिमेशन में, एंड यहाँ पर आपको जाना है कॉम्बो में। एंड कॉम्बो में यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे। जो भी एनिमेशन आपको अच्छी लगती है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इन अ बसलिंग क्लॉकवर्क सिटी पावर्ड बाय Gears and Moonbeams. दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमारा जो एनिमेशन है वर्क कर रहा है, एंड इस तरीके से आपको जो अपने अकॉर्डिंग सारे वीडियोस में एनिमेशन को अटैच कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है सारे वीडियोस में यहाँ पर एनिमेशन को अटैच कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। In a bustling clockwork city, powered by gears and moonbeams, lives Millie, a spunky tinker mouse with dreams bigger than Big Ben, armed with her trusty wrench and a pocket full of gumshoe. तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमारी जो वीडियो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है किड स्टोरी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, एंड देख सकते हो हमारी वीडियो कितनी ज्यादा एंगेजिंग बनी है। एंड इस टाइप की वीडियोस किड्स लोग देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से हिंदी में जनरेट करना है तो आप लोग हिंदी में जनरेट कर सकते हो, बट कैप्शन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इसी टाइप की वीडियोस को हिंदी में कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था इस टाइप की वीडियोस को मोनेटाइज कैसे करना है। जी हाँ गाइस, मोनेटाइज काफी ज्यादा सिंपल है। इसे आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से क्या होगा, इस टाइप की वीडियोस को अपलोड करके अच्छे खासे फॉलोवर्स को गेन कर लेना है। एंड जब आपके अच्छे खासे फॉलोवर हो जाएंगे तो ब्रांड आपको खुद का खुद प्रमोशन देगी। यहाँ पर आप लोग जो है प्रमोशन के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम को भी स्ट्राइक नहीं आएगा। बट इस टाइप की वीडियोस मोनेटाइज नहीं होते हैं क्योंकि ये किड्स कैटेगरी में आता है। लेकिन इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करके आप लोग जो स्पॉन्सरशिप ले सकते हो या प्रमोशन कर सकते हो। बहुत सारे प्रमोशन ऐसे होते हैं जहां पर आपको अपनी वीडियो में सिर्फ लोगो लगाना होता है, एंड उस लोगो को लगाने के लिए भी कंपनी बहुत अच्छा अमाउंट देती है। तो इस तरह से आप जो इस टाइप की वीडियोस को बनाकर अर्निंग कर सकते हो। एंड दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने यहां पर जो है AI की मदद से फुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो को क्रिएट किया। एंड अगर आपको इसी तरीके से हॉरर स्टोरी वीडियोस को क्रिएट करना है तो आप लोग मेरे राइट वाले वीडियो को देख सकते हो जहां पर मैंने आपको
फुल स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह आप जो है इस टाइप के हॉरर स्टोरी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो एंड दैट्स गिव टोटली न्यू कंटेंट। एंड अगर आप लोग फुल डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा, आप लोग वहां से फुल वॉच कर सकते हो। एंड दोस्तों वीडियो कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते किसी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.